उत्तराखंड में सियासी संकट बरकरार है। मुख्यमंत्री हरीश रावत के लिए एक अच्छी खबर अभी तक नहीं है, क्योंकि राज्यपाल की तरफ से जारी एक आदेश के बाद सीएम हरीश रावत की कुर्सी पर खतरा काफी बढ़ चुका है। दरअसल राज्यपाल के पॉल ने विधानसभा स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में कहा गया कि विधानसभा में 18 मार्च को जो भी स्थिति थी उसी आधार पर आपको बता दें, ये कहा गया है कि विधानसभा में वोटिंग की जाएगी। राज्यपाल के निर्देश के अनुसार कांग्रेस के 9 बागी विधायकों पर फिलहाल कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। अब जाहिर है 28 मार्च को जब हरीश रावत सरकार को बहुमत साबित करेंगे तो कांग्रेस के बागी विधायक भी वोट डालेंगे। 9 बागी विधायक हैं जो तमाम सरकार पर आरोप लगाने के बाद अलग हो गए, दिल्ली आ गए, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि दल बदल कानून के तहत इनको नोटिस भेजा गया था। और अब ये कहा गया है राज्यपाल की तरफ से, स्पीकर को निर्देश दिए गए हैं कि उसी तरीके से वोटिंग होगी जो स्टेटस 18 मार्च को था। उत्तराखंड के हरीश रावत सरकार पर संवैधानिक संकट और बढ़ गया है। राज्यपाल के पॉल ने विधानसभा स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में विधानसभा स्पीकर को निर्देश दिए गए हैं कि कांग्रेस के बागी विधायकों को अयोग्य घोषित न किया जाए। लेकिन अब जिस तरीके से राज्यपाल ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है उसमें यह बात कही गई है कि जो 18 मार्च का स्टेटस था उसी के अनुसार आपको 28 मार्च को बहुमत साबित करना होगा। तो निश्चित तौर पर जो सारा मैनेजमेंट था रावत सरकार का और रावत के जो फ्लोर मैनेजर थे उनका मैनेजमेंट पूरी तरह से खराब हो गया है। और अब जो कांग्रेस के 9 बागी विधायक है अगर वो सरकार के अगेंस्ट वोट करते हैं तो साफ तौर पर जो रावत सरकार है वो बहुमत से काफी दूर हो जाएगी और अपना बहुमत वो सदन में साबित नहीं कर पाएंगे। राज्यपाल ने विधानसभा स्पीकर को 18 मार्च की स्थिति को बरकरार रखने के भी निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने कहा है कि 28 मार्च को बहुमत साबित करने के लिए जो वोटिंग होगी उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। गवर्नर की इस चिट्ठी के बाद अब साफ हो गया है कि कांग्रेस के 9 बागी विधायक भी वोट डाल सकेंगे। नहीं, हमें तो पहले से पूरा वो था, पहले से विश्वास था कि ये होगा। तो वो सरकार तो 18 तारीख को खत्म हो चुकी, अब तो नई सरकार की बात करें जो अब बनेगी। आला कमान को अगर सरकार बचानी होती तो 18 तारीख से पहले बात करते। ये सारी आला कमान की और उत्तराखंड में जो आज शोषण हो रहा है उत्तराखंड की जनता का, उसको बचाने के लिए हमने ये कदम उठाया। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे एक बजट से जुड़े वित्त विधेयक को लेकर हरीश रावत सरकार पर संकट आ गया। दरअसल 18 मार्च को उत्तराखंड विधानसभा में विनिमय विधेयक यानी बजट पारित कराने के लिए मत विभाजन की मांग के दौरान बीजेपी के साथ कांग्रेस के 9 विधायक खड़े हो गए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसे अनसुना करते हुए ध्वनिमत से विनिमय विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद बीजेपी के साथ कांग्रेस के 9 बागी विधायकों ने हरीश रावत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं इससे पहले कांग्रेस ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे साकेत और संयुक्त सचिव अनिल गुप्ता को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित कर दिया। संकट से घिरे मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र और बीजेपी पर उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उत्तराखंड में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, विधानसभा की मर्यादाओं की हत्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को जो लोग जो है तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो लोग बाहुबल धनबल सत्ताबल से निर्वाचित सरकारों को अबदस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, धनबल सत्ताबल बाहुबल इसमें खेल कर रहा है, वो सबने देखा है, सारे उत्तराखंड ने देखा है किस तरीके से हो रहा है। फिलहाल 70 सीटों वाली उत्तराखंड असेंबली में कांग्रेस के 36, बीजेपी के 28, निर्दलीय के 3, बीएसपी के 2 और यूकेडी का 1 विधायक है। कांग्रेस के 9 विधायक बागी हैं, यानी हरीश रावत की कुर्सी खतरे में है। दिल्ली से अनुराग चड्डा के साथ सोनू सिंह,
इंडिया 24/7 देहरादून। और अनुराग चड्ढा हमारे साथ हैं। अनुराग ये बताइए मुझे, क्या ये समझ लिया जाए कि 28 मार्च को दरअसल उत्तराखंड में एक नया इतिहास लिखा जाएगा, सत्ता परिवर्तन तय माना जाए, या फिर वाकई कोई उम्मीद दिल्ली से बन रही है कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में? देखिए श्वेता, जो राज्यपाल की तरफ से स्पीकर को चिट्ठी लिखी गई है और उसमें साफ तौर पर यह बात कही गई है कि जो 18 मार्च का स्टेटस है उसी स्टेटस के अनुसार आपको 28 मार्च को सदन में बहुमत साबित करना होगा। तो ये तो बहुत मुश्किलें बढ़ा देने वाली बात हरीश रावत की, क्योंकि 9 बागी विधायक कांग्रेस के इस वक्त और हरीश रावत के साथ उनका 36 का आंकड़ा हो चुका है और 16 के आसार बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि हरीश रावत ने जिस तरीके से विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा को 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित करा दिया, इसके अलावा उनके जो जितने भी उनके संबंधी थे, जितने उनके करीबी लोग थे, चाहे वो राज्य मंत्री हों या अधिकारी हों, सभी को उन्होंने उनकी उनकी पोस्ट से हटाने का काम किया है। तो एक तरह से राजनीतिक जो रंजिश होती है उसको निकालने का काम हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हरक सिंह रावत ने और विजय बहुगुणा ने हरीश रावत को चुनौती दी है, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया, तो ठीक उसी तरह से रावत ने भी उनके करीबी अधिकारियों और करीबी जो राज्य में जो दर्जा प्राप्त मंत्री होते हैं उनको साइड बिल्कुल कर दिया है। तो इसके बाद कहीं ना कहीं अब बहुत कम आसार है कि बहुगुणा और हरक सिंह रावत दोबारा से हरीश रावत के साथ होंगे। लेकिन कल जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ कि राष्ट्रपति भवन के अंदर बीजेपी नेताओं के साथ बागी विधायकों को जाना था और हमने एक्सक्लूसिव लिस्ट भी निकाली जिसमें विजय बहुगुणा का नाम था, जिसमें हरक सिंह रावत का नाम था, वो उनके साथ नहीं गए, तो इससे 1% तो एक पॉजिटिव एक बात ये गई है कि कम से कम बागी विधायक अभी पूरी तरह से बीजेपी के साथ नहीं खड़े हुए हैं। तो हरीश रावत यहाँ पर थोड़ा सा सोच सकते हैं, लेकिन अगर राहुल गांधी या सोनिया गांधी इसमें इंटरफेयर करते हैं तब जाकर विजय बहुगुणा और हरसिंह रावत को मनाया जा सकता है, अगर अपनी सरकार को वहां बचाना है। लेकिन अगर आला कमान ने ही ऐसा कर लिया है कि किसी के सामने झुकना नहीं है, बागियों को पूरी तरह से सबक सिखाना है, तब तो हरीश रावत की सरकार को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि राज्यपाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो बागी विधायक है उनको भी वोट डालने का अधिकार है। अब देखना होगा कि हरीश रावत राज्यपाल से मिलेंगे या कांग्रेस का डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिलेगा उस लेटर के अगेंस्ट, और उसके बाद किस तरह की बातें सामने आती है। फिलहाल अगर यही परिस्थितियां रही तो हरीश रावत के पक्ष में ये माहौल नहीं, श्वेता भी नहीं है जी। अनुराग अपडेट लेते रहेंगे, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।